नमस्कार, मैं श्रिया यादव मनवानी फिल्म्स को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ कि वो सिंधु संस्कार चैनल के माध्यम से स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता फैला रहे हैं। क्योंकि आप सभी जानते हैं कि आज 25 अप्रैल है, जो कि विश्व मलेरिया दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य है मलेरिया के प्रति जागरूकता एवं इससे बचाव, जिसके मुख्य बिंदु है इस प्रकार। तो आइए हम जानते हैं मलेरिया के लक्षण। सर्दी व कंपन के साथ तेज बुखार, उल्टी एवं सरदर्द होना, पसीना आकर बुखार उतरना, बुखार उतरने के बाद थकावट व कमजोरी महसूस होना एवं एक दिन छोड़कर बुखार आना। ऐसे लक्षण पाए जाने पर तुरंत नज़दीकी स्वास्थ्य केंद्र पर रैपिड डायग्नोस्टिक किट के माध्यम से निःशुल्क खून की जांच कराएं। याद रहे, मलेरिया की दवा खाली पेट कदापि ना लें। यदि मरीज को उपचार देने के 48 घंटे बाद भी दवा का असर ना हो तो मरीज को 108 एम्बुलेंस के माध्यम से अस्पताल में भर्ती करें। अब हम बात करते हैं डेंगू के बारे में। डेंगू या डेन नामक वायरस के कारण होता है, जो कि मच्छर के काटने से फैलता है। इसके लक्षण 2 से 7 दिन तक बुखार, सरदर्द, मांसपेशियों, जोड़ों एवं आंखों के आसपास दर्द होना, छाती व दोनों हाथों में लाल चकते एवं संक्रमण की गंभीर अवस्था के कारण नाक, मसूड़ों, पेट एवं आंतों से खून का रिसाव होना। इसकी जांच भी आप नज़दीकी स्वास्थ्य केंद्र पर निशुल्क प्राप्त कर सकते हैं। हाँ, मलेरिया एवं डेंगू का उपचार तो संभव है, पर क्यों ना हम ये दोनों होने के पहले ही सतर्क हो जाएं? क्योंकि मलेरिया के मच्छर पनपते हैं गंदे पानी में एवं डेंगू के मच्छर पनपते हैं साफ पानी में। तो क्यों ना हम आज एक प्रण लें, किसी भी प्रकार का पानी घर के आसपास एकत्रित ना होने दें, और यदि होता भी है तो टीमोफॉस एवं मिट्टी के तेल का छिड़काव करें। स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें।